काटो गाँव कवासी मेरे बड़ाई हुई जंगला, ने काटो गाँव कवासी मेरे बड़ाई हुई जंगला, ने काटो गाँव कवासी मेरे लगाई हुई जंगला। नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं सीमा गांव, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कौसानी के समीप स्थित है। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं वृक्ष मित्र पर्यावरण प्रेमी श्रीमान दिनेश लोहनी जी से। दिनेश लोहनी जी जो कि 1,00,000 से अधिक वृक्ष लगा चुके हैं और लगभग इतने ही अपनी नर्सरी से दूसरों को दान में दे चुके हैं। सूखे तालों की जगह बांझ के सुंदर जंगल उगा चुके हैं। वर्ष 1971 में जन्मे लोहनी जी सन 1992 से यह कार्य लगातार करते आए हैं। आइए मिलते हैं श्रीमान दिनेश लोहनी जी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि वृक्ष मानव नाम से जानी जाती है। 1,00,000 वृक्षों का रोपण ये अपने हाथों से कर चुके हैं। 60,000 से अधिक वृक्ष ये लोगों को निःशुल्क दान में दे चुके हैं। और वृक्ष मित्र नाम से कौसानी के आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं। आज हम इनका अपने इस खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। स्वागत लोहनी जी। नमस्कार गुरु जी। और आप वृक्ष मित्र नाम से जाने जाते हैं जी सर, आपको ये प्रेरणा वृक्षों से लगाओ और प्रकृति से प्रेम, ये कैसे आपने किया ये सब? ये ऐसा हुआ सर कि प्रेरणा तो मेरे को माता और पिता से मिली। कोई ऐसी घटना जिसका आपका हृदय परिवर्तन हो गया हो? नहीं, ऐसे कोई घटना तो नहीं है, ऐसे कोई हृदय परिवर्तन भी नहीं हुआ है कि माता पिता द्वारा ऐसा है कि ये पहले मेरे को ये शिक्षा दी गई है कि पेड़ लगाना चाहिए। देखो दोस्तों, हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे माता पिता प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं हमें सबसे पहले। हाँ लोहनी जी, आगे आपने जो कार्य किए ये कब से प्रारंभ किए? मैंने कार्य सन 1992 से मैं ये कार्य को कर रहा हूँ, और करीब करीब मैंने गतनी खाल, एक हमारा स्रोत था गाँव में पानी का स्रोत, तो काफ़ी दिन पहले मैंने इसमें देखा, जब तो क्या कहते हैं इसमें पानी नहीं था, लेकिन गतनी खाल तो नक्शे में उसमें नाम था। ये सन 1992 की और 93 की बात है। तो उस टाइम मैं सरपंच भी था वहाँ का, तो मेरे पास एक नक्शा आया। जब ऐसा है कि जब चुनाव होते तो ये नक्शा भी पटवारी जी हमको देता है, तो मैंने देखा। मेरे को उतना तो जानकारी नहीं पड़ती है कि नक्शे की, लेकिन फिर भी मैंने गतनी खाल, मैंने कहा खाल तो है लेकिन पानी नहीं है। जी 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 जी। तो वहाँ पर मैंने ऐसा है कि कुछ ऐसा है कि पहले क्या होता था कि शौचालय में भी लोग बाहर से शौचालय नहीं थे पहले, है ना, तो जंगलों में जाया करते थे। कहीं पर ऐसा आदमी बैठे जब तो ऐसा है कि वहाँ पर 6 महीने में देखो तो पेड़ भी जम जाता है ना। तो कई चीज़ें हैं लगते, तो मैंने देखा यार यहाँ पर अगर पेड़ लगाए जाए, कुछ बांस के पेड़ लगाए जाए, जब तो ऐसा है कि कुछ पानी स्रोत पर आ सकता। तो वहाँ पर मैंने करीब करीब ऐसा है कि कुछ नहीं लगा रखे, 7,000 पेड़ का जंगल बना। आपने बांस के पेड़ का उल्लेख किया, हमने सुना है कि आप कुछ पंक्तियाँ भी बोलते हैं लोगों को प्रेरित करने के लिए। हाँ, पंक्तियाँ भी बोलता हूँ मैं पेड़ के साथ साथ, कभी कभी पंक्ति बोलता हूँ जो जंगल को मैं लगाता हूँ, लेकिन गांव वाले काटते हैं जब, तो उसमें मैं कभी कभी ऐसा पंक्तियाँ भी बोल देता हूँ, पंक्तियाँ बोलता हूँ। तो आपको क्या सुनाया जाए वो पंक्ति? बिल्कुल, हमारे दर्शन। तो मेरे क्या है कि जैसे मेरे जंगल बनाए हुए जंगल है, तो मैं ये कहता हूँ लोगों से, क्या कहते हैं, काटो गाँव का वासी मेरे बड़ाई हुई जंगला, ने काटो गाँव का वासी मेरे बड़ाई हुई जंगला, निकटो गाँव कवासी मेरे लगाई हुई जंगला। तो ये कई चीज़ें आगे को मैं बढ़ा, जैसे आगे को जैसे मैं जैसे चीड़ का जंगल है, मैंने उस पर भी एक गाना बना रखा है। चीड़ के जंगल में मैंने कैसे गाना बना रखा है, अरे बुनिया के छटाने करो, ओ बुनिया के छटाने करो, लगा दो बजदा बाजो को पेड़ा, लगा दो बजदा बाजो को पेड़ा। जबरदस्त है। अरे बुनिया के छटाने करो, ओ बुनिया के छटाने करो, लगा दो हरदा हरड़ा पेड़ा, लगा दो हरदा हरड़ा पेड़ा। तो ऐसे कई गाने में कई नाम पर गाने बन जाते हैं, बहुत है ना। तो कई गाने बन जाते हैं, लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि इसमें आगे को और भी करूं करके मैं सोच रहा हूं इसमें लगूं करके। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि आपने कुछ जंगल स्वयं अपनी मेहनत से, दिन रात की मेहनत से वो जंगल उगाए हुए हैं। हाँ, ये लोगों के लिए एक विशिष्ट बात है दोस्तों, देखने वाली बात है कि ये एक साधारण दिखने वाला व्यक्तित्व आपके सामने खड़ा है, जो कि
तो अगर आपको बाज़ार में दिखेंगे ये, तो ये पेड़ पौधे के साथ में दिख सकते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति को ये पेड़ दान में देने जा रहा हूँ। ये अपने आप में कितनी विशिष्ट बात है। मुझे स्वयं इन्होंने करीब 10 पौधे, औषधीय गुणों से युक्त जो पौधे हैं वो दान में दिए हैं। विद्यालय में इन्होंने बहुत सारे वृक्षों का रोपण किया है, पौधों का रोपण किया है। और जंगल जो आपने लगाए उनके बारे में आप जरा। जंगल मैंने ऐसा है कि गतनी खाल आपको बताया था अभी जी, एक जहाँ पर मैंने ऐसा है कि पानी अभी वर्तमान में वहाँ पानी आने लग गया है। बड़ा अच्छे, मेरे को संभावना नहीं थी कि जिस चीज़ की, जब तो वो संभावना बढ़ रही है तो आगे मैं उसमें कुछ करूँ, आगे को मैं भी ये भी देखूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने एक हमारे ही गाँव में एक ऐसा है कि मठा कटुक के नाम से एक जंगल है। मठा कटुक में मैंने बांस के जंगल लगा रखा है, बहुत बढ़िया। ऐसा है कि चाय गार्डन भी है, नीचे बांस के जंगल लगा रखे। एक दिबागर है, दिबागर में भी ऐसा है जंगल बना रखा है, वहाँ से भी हमारा पानी का स्रोत जाता है गांव के लिए, तो वहाँ भी एक जंगल बना रखा है। फिर एक कभलट्यानी है नीचे गाँव में, कभलट्यानी में भी एक स्रोत वहाँ पानी का है, जब तो वहाँ पर भी जंगल बना रखा है। वहाँ भी पेड़ 29 के और बांस के बुरांस के कई प्रतिशत के प्रजाति के पौधे वहाँ पर लगा रखे। अच्छा, उसके बाद अभी ऐसा है कि हाईवे रोड जा रही है हमारे कौसानी से नीचे गरुड़ को, जिसमें ऐसा है कि अभी कार के भी चल रहा है, तो उसी के किनारे विश्राम गृह के किनारे, उसके ऊपर भी ऐसा है कि मैंने काफ़ी बुरांस के पीछे जंगल, वो भी जंगल सक्षत होने वाला है, थोड़े दिनों में हो जाएगा अगर मैं उसके पीछे लगूंगा। बहुत विशिष्ट बात है। हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ चुकी है इस कार्यक्रम में, आदरणीय सपना मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि नेचर लवर नाम से काफ़ी फेमस हैं और प्रकृति से काफ़ी प्रेम करती हैं। तो इनके भी कुछ सवाल हैं लोहनी जी से कि ये प्रकृति से बहुत गहरा लगाव है इनका और ये उत्तराखंड को खास तौर पर उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है इसके लिए पसंद करती हैं। जहाँ खेत होते हैं वहाँ ही चले जाते हैं, नदी के पास ही चले जाते हैं और वृक्षों से इन्हें भी बहुत प्रेम है। सपना जी, हाँ नमस्कार, मैं ये जानना चाहती हूँ नेचुरल ये बहुत खूबसूरती है और जहाँ भी देखो हरियाली है, जो कि प्लेन्स में या कहीं और इतना खूबसूरती देखने को नहीं मिलती है। अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं, इवन हर 10 दिन बाद नया ही फूल देखने को मिलता है, नए ही अलग तरीके के फूल मिलते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आपने बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं और बहुत सारे डोनेट भी किए हैं, तो ये जो खूबसूरती है ये कितने समय तक ये बरकरार रह सकती है? आपका ये इस तरीके का कंट्रीब्यूशन जो है प्रकृति के लिए, तो ये जो अगर मैं कुछ टाइम के बाद दोबारा आना चाहूँ, लगभग 10-12 साल बाद, तो इतनी खूबसूरती क्या मुझे दोबारा देखने को मिल सकती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ऐसा है कि लगाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम इसको ऐसा है जिस तरीके से हमने इसको लगाया है, अगर हम इसको छोड़ देंगे जब, तो ये तो जंगल बन जाएगा जी, है ना। तो दूसरी चीज़ ऐसा है कि हम इसके साथ अगर लगते रहेंगे जब, तो जितनी हम मेहनत करेंगे उतना हमको फल मिलेगा। तो हम जितनी इसके आप हरियाली कर रहे हैं कि 10-12 साल पर, हो सकता है कि ये उससे भी अच्छा हो जाए, उसके हम देख रेख करें। अगर हम मान लें इसकी देख रेख अगर नहीं करेंगे, तो 10-12 साल में ये कुछ और भी हो सकता है। तो हम इसमें जितना अच्छा मेहनत करेंगे तो उतना हमको इसकी हरियाली उतना देखने को ज़्यादा को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। आपका खास आइडिया क्या है? मैम ये जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या योजनाएं हैं जो कि आपके लगाए हुए वृक्षों को। हाँ, मैंने एक चीज़ जानी है कि अगर ये कोई भी पौधा किसी को दान में देते हैं तो बार बार उसके घर में जाते हैं और उस पौधे की देखरेख करते हैं, ये उस संदर्भ में बताएंगे आप। अब ऐसा है कि जैसे लोग मेरे से पौधे के बारे में कहते हैं कि पौधा मेरे को चाहिए, तो लोग बार मेरे को आजकल ऐसा है कि मैं अलग अलग वैरायटी के पौधे मैं बना रहा हूँ। जैसे नर्सरी है मेरे यहाँ पर, एक छोटी सी नर्सरी है, मिनी नर्सरी है। मैं हर साल के लिए उसमें करीब करीब ऐसा है कि 1000 से 1100 पौधे में ऐसा है कि लोगों की डिमांड पर तैयार कर देता हूँ। डिमांड में तैयार, लोगों का क्या है कि आजकल आपके डिमांड में लोगों का क्या है आजकल, जैसे कि आप देखो कि नींबू है, माल्टा है, ये तो लोग बात क्या है कि बंदर अंदर इसको नुकसान ज़्यादा कर देता है। लोग बात क्या मांग रहे हैं आजकल, भेकुआ है, जानवर का चारा, कुरियाल है, ये भी एक प्रजाति का, एक ऐसा ही प्रजाति है कि इसका ये भी ऐसा ग्रोथिंग में बहुत अच्छा होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं पब्लिक की डिमांड के हिसाब से भी नर्सरी को तैयार करता हूँ और नर्सरी मेरी करी करी अभी, जैसे मैंने अगले साल को पौधा बाँटना है तो इस साल मैंने बेलपत्री का पौधा तैयार कर रखा, तो अगले साल मैंने बेलपत्री पौधा बाँटना है। इस बार मैंने कुरियाल अगर तैयार कर रखा है, तो लोगों की डिमांड करके अगले साल मैंने कुरियाल करके तैयार देना है लोगों को। अगर मैंने भोगे, लोगों ने मेरे से भेकुआ मांग रखा है, भीमल उसका नाम है, हम भेकुआ भी कहते हैं वैसे उसको, पहाड़ में वैसे भेकुआ ही कहते हैं लेकिन वैसे भीमल के नाम से प्रजाति को जाना जाता है। और भीमल में ऐसा है कि कई प्रजाति की, उसमें ऐसा है कि जैसे भीमल को हमने काट दिया, फिर उसको ऐसा है कि हमने कहीं पर उसको तालाब में जाके उसको डाल दिया, फिर उसके हमने उसको लहद के निकाल के उसमें फिर हमने रस्सी बनाना शुरू कर दिया, तो कई चीज़ें इसमें इसमें प्रकट की। तो इतना आसान नहीं है, सालों साल की तैयारी है, ये इतना सुंदर देखने को मिलता है। तो आपकी तो अपनी नर्सरी है? मेरी अपनी नर्सरी है। और तो इसके लिए आप धन मुहैया, समय कैसे निकालते हो अपने व्यस्त जीवन? देखिए, मेरे घर में ऐसा है कि जैसे एक मेरी माताजी होगी,
एक मेरी मैडम हो गई जी जी, और एक मेरा लड़का हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि मैं थोड़ा सा ऐसा है कि एक आदमी अगर करता है जब तो सबसे कहरो करो थोड़ा कहना पड़ता है, और कहने वाला हमेशा क्या होता है, बुरा हो जाता है। लेकिन मेरे को तो करना ही है, मैंने तो करना ही है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा घर वालों से कहेंगे भैया थोड़ा कर दो, थोड़ा पॉट भर दो, थोड़ा मिट्टी छान के। घर का तो सहयोग आपको मिलता है क्या? आपको समाज का और क्या जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ पे क्या आपको सहयोग मिलता है? मेरे को ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, लेकिन ऐसा है कि हम तो ऐसा किसी झूठ भी नहीं बोलते। सहयोग क्या है कि जैसे मैं परसों एक आदमी के घर पर पेड़ लगाने के गया था, आपने मेरे से पूछा, उन्हें 100 रुपीज़ मेरे को दे दिया, बड़ा बुरा लगा। लेकिन ऐसा है कि मैं पैसे किसी से लेता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अगर मैं किसी से पैसे लूँगा तो मेरा पेड़ नहीं चलेगा, पाप है मेरे लिए। तो क्या है कि मैं पैसे नहीं लेता, लोग बार फिर भी समझते हैं कि कोई तो 500 का नोट भी दे देता है, कोई 100 का नोट भी दे देता है, लेकिन ऐसा है कि मेरा अभी तक ऐसा कोई स्वभाव में ऐसा नहीं है कि मैं रुपया लेके पेड़ लगाऊं, ऐसा मेरा कोई स्वभाव नहीं है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है ये, बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति के लिए। तो मैडम को आप क्या कहना चाहोगे अभी आखिरी हमारे एपिसोड के अंत में, इनको क्या विश्वास दिलाओगे कि ये बार बार आए उत्तराखंड में, आए बार बार खूबसूरती देखें? सुना था मैंने उत्तराखंड के बारे में, लेकिन देखने के बाद महसूस होता है कि हाँ उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है। ऐसे लोगों की वजह से उत्तराखंड बचा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल डिफोरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है, वृक्ष कट रहे हैं और चीज़ों के लिए, लेकिन ये इस उस दौर में कहते हैं ना रिवर्स नेवर गो रिवर्स, परंतु ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिवर्स गियर डाल करके वापस पौधों को दोबारा से उगा रहे हैं, ये कर रहे हैं एक तरीके से एफॉरेस्टेशन का काम और डिफॉरेस्टेशन का काम कर रहे हैं। जी सर, अंत में मैडम को क्या प्रॉमिस देखे, और प्रॉमिस क्या है आपका? हाँ, प्रॉमिस तो यह है कि मैडम यहाँ पर दोबारा आया जब, तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीड़ का जंगल ऐसा है कि थोड़ा सा जो घना जंगल है इसका छटान करके और इसमें ऐसा है कि छायादार वृक्ष लगाए जाए, जैसे बुरहान से हमारा नेचुरल यहाँ पर बुरहान से जो पेड़ है हमारा, इससे खूबसूरती हमारी ज़्यादा बढ़ती है। आप क्यों खपा हो? क्यों से मैं इसलिए खपा हूँ क्योंकि ऐसा चीड़ खपा, लेकिन चीड़ तो इतनी खपा वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन कहीं भी लोग कहते हैं ये भी एक वो है, लेकिन ये जंगल में जो फायर सीजन आता है ना, ये चीड़ ये फायर सीजन के लिए बड़ा घातक है बिल्कुल। उसमें लोग बात क्या करते हैं, जंगल में ऊपर नीचे जाते हैं, पिरूल पड़ा रहता है, आग डाल देते हैं, बड़ी समस्या हो गई। तो इसको छटान करके अन्य प्रजाति के पौधे लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, क्योंकि जो चीड़ का पौधा है वो जहाँ भी होता है दूसरी प्रजाति के पौधों को नहीं उगने देता है, और जल्दी से आग पकड़ लेता है, और एकदम से जो है फॉरेस्ट फायर की सिचुएशन जो आ जाती है उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें लीसा भी होता है, तो इनका दर्द है एक। तो नियम तो जो है वो नियम है वन संरक्षण के लिए, तो ये इनकी अपनी पहल है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले अंक में, बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, धन्यवाद।